आफ्टरनून क्या हाल चाल प्रभु कैसे हैं आप लोग बताओ जल्दी से क्या हालचाल चल रहे हैं कैसे हैं आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ के आए हो कि कुछ भी नहीं पढ़ के आए हो जीवन के अंदर में थोड़ा बहुत पढ़ाई आप लोगों ने साथ करी नहीं करी अभी तक के गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून मालिक विधि दीपांशु जेठवा साहिल केतन नाई फादर इज गुड ही इज इन स्टेबल कंडीशन राइट नाउ चलो जी बहुत बढ़िया पढ़ाई चालू करी तुम लोगों ने जल्दी से बताओ ईमानदारी से बताओ कौन कौन लोग घर पे जाकर के रोज पढ़ रहा है कौन कौन व्यक्ति घर पे जाकर रोज पढ़ रहा है बताओ जल्दी से पढ़ के आए हैं जी हाँ कुछ कह रहे हैं पढ़ के आए हैं कितने लोग डेली पढ़ रहे हैं मतलब जो हम यहां पे पढ़ा रहे हैं वो जा करके पढ़ रहे हैं ऐसे कितने होशियार लोग हैं जो पढ़ रहे हैं रिप्लाई नहीं करेंगे अब अब, अब, अब हम पढ़ नहीं रहे तो हम रिप्लाई भी नहीं करेंगे नहीं पढ़ रहे तुम खुद देखो कि साहब ऑलमोस्ट दो तीन चार लोग हैं जो बस डेली पढ़ रहे हैं बाकी के कोई पढ़ भी नहीं रहे हो ना को सिर्फ चार लोग डेली के पढ़ रहे बाकी पढ़ भी नहीं रहे सात अच्छा तुम लोग मतलब डेली पढ़ रहे हो जा भी रहे हो डेली पढ़ भी रहे हो पढ़ के वक्त कुछ समझ में आ रहा है जो मैंने नोट्स वहां पे टेलीग्राम के ऊपर डाले हुए हैं वहां पे कुछ पढ़ रहे हो नहीं सर डेली नहीं देखो ये एक गलती कर रहे हो देखो तुम क्या गलती कर रहे हो पता है तुम वही गलती दोहरा रहे हो सी फाउंडेशन और इंटर के अंदर में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या आता है पता है आपको डिफरेंस आता है अप्रोच का सी फाउंडेशन के अंदर में ना सिलेबस इतना ज्यादा है नहीं तो ठीक है मैनेज हो सकता है जो छुट्टी का दिन होता है उसमें इंटर के अंदर में आपको सिलेबस ही भी सर ह्यूज है सिलेबस का जो कंटेंट है ये बहुत ज्यादा ह्यूज है और ऐसे केसेस में आपको डेली पढ़ना बहुत जरूरी है अगर आप डेली नहीं पढ़ रहे हो तो आप ये बात याद रखो कि आप एक बहुत बड़ा गलती कर रहे हो मालिक बहुत बड़ा गलती कर रहे होस सर yes, आपकी नोटिफिकेशन नहीं आती लाइव की किशन मैं रोज दो बजे आ रहा हूं तुम मेरे साथ दस दिन से हो रोज कमेंट कर रहे हो फिर भी यही सवाल पूछ रहे हो यार कमाल करते हो सर देखो फाउंडेशन में जो तुमने गलती की ना वो यहां दोबारा मत दोहराओ इतनी बात बस मैं आपको बहुत अच्छे से कहना चाहूंगा कि फाउंडेशन में जो आप गलती कर रहे हो ना वो यहां पे मत दोहराना क्योंकि यहां वाली गलती बहुत ज्यादा महंगी पड़ेगी यहां अगर आप डेली नहीं पढ़ रहे ना मालिक तो आप समझ लेना कि ये बैकलॉग आपके कवर होने वाले बैकलॉग नहीं है हाँ फाउंडेशन में तो भी आपके कवर हो जाएंगे यहाँ के बैकलॉग आपके कवर होने वाले बैकलॉग ही नहीं है और ऐसे केसेस में फिर जैसे 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 तुम आगे बढ़ते जाओगे पीछे वाला पार्ट भूलते जाओगे सो लेट्स से अगर तुम वीडियो लेक्चर्स भी देख रहे हो पेन ड्राइव गूगल ड्राइव भी देख रहे हो एक दिन ऐसा जरूर निकालना लेट्स से सैटरडे संडे मंडे जिस भी दिन तुमको लगता है एक दिन उस दिन कोई वीडियो लेक्चर मत देखना है और उस दिन तुम्हें पूरा का पूरा रिवाइज करना है पर बहरहाल अभी अगर जो लोग यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं वो लोग रोज इवनिंग में तुम्हारे पास टाइम बचता है क्योंकि ये एक दो घंटे का ही लाइव सेशन है तो तुम्हारे पास इवनिंग में टाइम बच रहा है इवनिंग के अंदर में तुम अपना पढ़ाई पूरा का पूरा चालू रखो नहीं तो तुम बहुत बड़े गड्ढे के अंदर में जाओगे ठीक है ओके okay, मालिक चलो आ जाओ सर आज का कुछ पार्ट चालू करते हैं आप लोगों ने सबसे पहले अगर पढ़ाई की होगी तो मेरे कुछ सवालों का जल्दी जल्दी जवाब दो जिससे मुझे फटाफट समझ में आ जाए कि हाँ तुमने पढ़ाई की है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल लिखा है सेक्शन सिक्स सबसेक्शन सबसेक्शन जल्दी से बताओ दूसरा एच यू एफ इज स्पेसिफाइड अंडर सबसेक्शन ठीक है तीसरा कंपनी अंडर सबसेक्शन कमेंट करते जाओ जल्दी जल्दी कमेंट करते जाओ वेरी गुड चौथा आपका अदर पर्सन इंडिविजुअल के लिए फटाफट कुछ रिकॉल करते पूरा रेसिडेंशियल स्टेटस फटाफट रिवाइज करवा रहा हूं जरा ध्यान से सुनना इंडिविजुअल कैन ईधर भी रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट जहां बैठे हो घर पे बैठे हो जब भी ये वीडियो देख रहे हो ध्यान से मेरे साथ हाथ उठा के फटाफट अ पर्सन कैन ईधर भी रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट जिसने हाथ नहीं उठाया उसके कहीं या तो बिजी होंगे या अटेम्प्ट की कसम पर्सन के ना इधर भी रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट रेसिडेंट है तो दो या दोनों में से एक दोनों में से एक कंडीशन सेटिसफाई करनी पड़ेगी स्टेज इन इंडिया फॉर वन एटी टू डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर और सिक्सटी डेज इन प्रीवियस ईयर एंड थ्री सिक्स डेज इन फोर प्रीवियस प्रेसिडिंग ईयर अगर ये कंडीशन सेटिसफाई हो गई ओके okay. नहीं सैटिफाई हुई नॉन रेसिडेंट रेसिडेंट है तो मम्मी को बोलो कॉम प्लान पिला इस आरओ आर आर एन ओ आर बनाए क्या बनाए आरओ आर आर एन ओ आर बनाए आर ओ आर बनने के लिए कितनी कंडीशन है दो क्या दोनों भी जरूरी है yes. He is resident for two out of ten previous preceding year and seven thirty days in seven previous preceding year नहीं तो R N O R ये हो गई जनरल कैटेगरी अब आ गया इंडियन सिटीजन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन तीन लोगों के लिए अगर ये बाहर जा रहे हैं one eighty two days is the condition कौन है ये तीन लोग पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन शिप क्रू मेंबर पर्सन लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट राइट अगर इंडियन सिटीजन है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो रहते तो आउटसाइड इंडिया कम टू विजिट इन इंडिया एंड इनकम पंद्रह लाख तक के नहीं जा रही इन्हें रेसिडेंट मानेंगे अगर वो इंडिया में वन एटी टू डेज रहते हैं तो अगर कोई वैसे तो दे आर कमिंग टू विजिट इन इंडिया एंड in इंडिया से इनकम कितने से कमाई जा रही है फिफ्टीन लाख ,00 से ऊपर है तो इन्हें रेसिडेंट मानेंगे इफ दे स्टेज इन इंडिया फॉर वन एटी टू डेज और मोर और वन ट्वेंटी डेज इन प्रीवियस ईयर एंड थ्री सिक्सटी फाइव डेज इन फोर प्रीवियस प्रेसिडिंग ईयर क्या तुम है राइट right?

और टैक्स पे करने की लाइबिलिटी नहीं है तो वो इंडिया में डायरेक्टली की कैटेगरी में फॉल हो जाएगा R -N -O -R की कैटेगरी में सिचुएटेड इन इंडिया तो रेसिडेंट अदरवाइज नॉन रेसिडेंट क्या तुम्हें याद है इफ करताइज होल एच एफ आर एनओ आर बाजू करो वेरी गुड बेटा फिर हम लोगों ने देखा था रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अदर इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया रेसिडेंट अदरवाइज नॉन रेसिडेंट याद आ रहा है तीसरी चौथी बार रिवाइज करवा रहा हूं मैं बाजू करो कंपनीज के लिए इंडियन कंपनी ऑलवेज रेसिडेंट फॉरेन कंपनी पोयम इन इंडिया रेसिडेंट पोयम आउटसाइड इंडिया नॉन रेसिडेंट क्या तुम्हें याद है ये पढ़ा था हम लोगों ने सेक्शन नंबर सिक्स बोलो हां यहां जल्दी से बताओ हाँ यहां डन चलो आगे बढ़ते हैं फिर हम गए थे सेक्शन नंबर यहीं से हम ढूंढने निकल गए इंडियन इनकम मतलब क्या होता है प्लीज मी इंडियन इनकम के चार पार्ट कौन कौन से है प्लीज मी इंडियन इनकम के चार पार्ट कौन कौन से है? जल्दी से मेरे को रिप्लाई करके बताओ कमेंट करके बताओ इंडियन इनकम मतलब चार कैटेगरी लिखो जल्दी जल्दी पहला पहला रिसीव्ड इन इंडिया बहुत बढ़िया जवाब बेटा दूसरा दूसरा जल्दी जल्दी कमेंट करो ये आपका कॉन्फिडेंस शो करेगा रिसीव्ड इन इंडिया दूसरा डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया शानदार बेटा डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया तीसरा वेरी गुड बेटा अक्रू और अराइज इन इंडिया चौथा चौथा डीम टू अक्रूर अराइज इन इंडिया वेरी गुड सो इंडियन इनकम के चार पार्ट रिसीव इन इंडिया डीम टू बीसिव इन इंडिया इन इंडिया इन इंडिया हम रिस इन इंडिया का तो मतलब समझ गए पैसा अगर इंडिया में मिला इट इज टैक्सेबल इन इंडिया ये कौन सी इनकम बन जाएगी इंडियन इनकम दूसरा था डीम टू बी रिसीव इन इंडिया डीम टू भी रिसीव इन इंडिया अरे वो दो सेक्शन में लिखा था अरे वो आद आ रहा है आ रहा है आ रहा है मेरे दिमाग में आ रहा है वो दो सेक्शन डीम टू बी रिसीव इन इंडिया अरे वो 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 अरे वो हाँ आ रहा है मेरे को दो सेक्शन याद आ रहा है अरे मैं बताएगा ना तेरे को अरे वो दो सेक्शन थे ना डीम टू बी रिसीव डीम टू वो दो सेक्शन थे दो थे दो थे एक नहीं बोलने का दो थे अरे थे ना वो हाँ वो 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 हाँ हा, हा आठ और नौ बराबर आठ और नौ हाँ आ रहा है मेरे ध्यान में आ रहा है आ रहा है सात और आठ सात और आठ ओहो और चलो वेरी गुड बहुत अच्छे बेटा आई एम प्राउड ऑफ यू सात एवरीबॉडी प्रभु सेक्शन सेवन के अंदर में कितने पार्ट लिखे थे चार सेक्शन के अंदर हूँ कॉन्ट्रीब्यूशन इन आरपीएफ बियॉन्ड वेरी गुड दूसरा बोल रहा हूं इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ बियॉन्ड वेरी गुड कॉन्ट्रीब्यूशन इन पेंशन स्कीम और चौथा था कन्वर्जन ऑफ यू आर पी एफ टू आर पी एफ कन्वर्जन ऑफ यू आर पी एफ टू आर पी एफ वेरी गुड बेटा ये चार चीजें डीम टू बी रिसीव इन इंडिया मानी जाएगी यस सेक्शन आठ कह रहा था सेक्शन आठ कह रहा था कि बॉस कभी भी अगर इंडियन कंपनी ने डिविडेंड दिया है तो ये इंडियन इनकम मानी जाएगी फिर यहां से हम गए थे डीम टू अक्रूर अराइज इन इंडिया डीम टू अक्रूर राइज इन इंडिया के ऊपर गए थे हम लोग कौन सा था डीम टू अक्रूर इन इंडिया सेक्शन लिखे थे इसमें 10, 10 के 10 को खोदना हम ने चालू किया था शुरुआत थी point number 2 से salary earned in India. अगर इंडिया में salary earn कर रहा है is it taxable in India? Yes. दूसरा था सैलरी अर्न आउटसाइड इंडिया बाय एन इंडियन सिटीजन पेड बाय इंडियन गवर्नमेंट इज इट टैक्सेबल इन इंडिया यस इट इज टैक्सेबल इन इंडिया तीसरी बात हम लोग पढ़ रहे थे डिविडेंड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी टैक्सेबल इन इंडिया ऑलवेज डीम टू इन इंडिया चौथा था इंटरेस्ट अगर रिसीव कर रहा है नॉन रेसिडेंट फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट फ्रॉम अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया फ्रॉम अ नॉन रेसिडेंट बट सर्विसेज आर रेंडर्ड इन इंडिया देन इन दैट पर्टिकुलर केस इंटरेस्ट इज टैक्सेबल

यू नो अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है कोई अमाउंट पेड हो रहा है फिल्म सिनेमेटोग्राफिक फिल्म के लिए हम उसे रॉयल्टी नहीं कहेंगे फिर था फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज क्या था बेटा फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज अगर फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज इंडिया से रिसीव्ड हुई है गवर्नमेंट से रेसिडेंट से या नॉन रेसिडेंट से जो उसे इंडिया में यूज कर रहा है दैट इज टैक्सेबल इन इंडिया फिर था प्रॉपर्टी इनकम अगर इंडिया से किसी प्रॉपर्टी या से इनकम कमाई है दैट इनकम इज टैक्सेबल इन इंडिया एग्जाम्पल था सानिया मिर्जा का घर जो इंडिया के अंदर में था अगर कोई असैट इंडिया के अंदर में बेच भी देता है और नॉन रेसिडेंट को इनकम अराइज होती है दैट इनकम इज ऑल्सो टैक्सेबल इन इंडिया फिर गिफ्ट बाय रेसिडेंट टू नॉन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया अगर कोई रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट को गिफ्ट दे देता है आउटसाइड इंडिया स्टिल वो इज इन इंडिया अगर वो गिफ्ट का वैल्यू पचास हजार से ऊपर जा रहा होगा फिर हम आए थे सबसे पहले वाले पॉइंट हाँ, ना बात बात ये हुई बात। अब मुझे बताइए इंडिया में हमने पीई लिया या बीसी लिया इंडिया में हमने पीई लिया या बीसी लिया जल्दी से बताओ इंडिया में पीई लिया या बीसी लिया बहुत शानदार बेटा बहुत शानदार देखो अब साले पूरे दुनिया के कमेंट आएंगे जो साले ऐसे भी कमेंट नहीं करते ना अब तो साला कमेंट भी कर देंगे बोले चलो ये बहाना मिल गया मेरे को भाई तेरा पूरा कमेंट करेगा आप चलो बढ़िया हाँ देखो वो बच्चे भी कमेंट कर रहे हैं जिनने आज तक जिंदगी में कमेंट नहीं किया होगा इस, इस वीडियो पे तो अब अब सब कमेंट करे जा रहे हो सालो नालायक हो सुधर जाओ थोड़े से शर्म कर लो जीवन में थोड़ी सी सो इंडिया में और इसका रीजन मैंने आपको कल बताया था मैं आपको हर उस चीज का रीजन बता रहा हूं जो एग्जिस्ट करता है और एग्जिस्ट करता है तो क्यों करता है मैं आपको सीए फाइनल के थोड़े से इंटरनेशनल टैक्स में लेके गया बिजनेस कनेक्शन मतलब कोई परमानेंट प्लेस ऑफ बिजनेस चाहिए था हुआ करता था हमारे पास भी लेकिन लोग इसे सरपास कर देते थे, थे किसी एजेंट को रख करके राइट right? और इसीलिए हम लोगों ने बिजनेस कनेक्शन को लिया बिजनेस कनेक्शन इज अ मच मोर वाइडर वर्ड देन पीई हम कब बिजनेस कनेक्शन कहेंगे इसके तीन पार्ट थे व्हाट इज बिजनेस कनेक्शन व्हाट इज नॉट अ बिजनेस कनेक्शन डीम्ड बिजनेस कनेक्शन इसमें सबसे पहले हम लोग गए थे व्हाट इज बिजनेस कनेक्शन पे लिखा था एक्सप्लेनेशन नंबर टू के अंदर में किधर लिखा था बोलो ना ये लिखा था एक्सप्लेनेशन टू के अंदर में इफ इफ एनी पर्सन इफ एनी पर्सन हैबिचुअली कंक्लूड द कॉन्ट्रैक्ट और प्लेज अ प्रिंसिपल रोल इन कंक्लूजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो हम मान लेंगे भाई साहब उसका इंडिया में उस नॉन का इंडिया में बीसी है दूसरा दूसरा इफ ही मेंटेन द स्टॉक ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट तीसरा ही सिक्योर द ऑर्डर ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट पहले का एग्जांपल हम लोगों ने जैगवार लिया था दूसरे का एग्जांपल हम लोगों ने लिया था कि बिया स्टॉक अगर आप मेंटेन करते हो ए टू जी मेंटेन करता है अलीबाबा के केस में और तीसरा हम लोगों ने लिया था कि मेक माई ट्रिप क्या कर रहा है ऑर्डर सिक्योर कर रहा है तो हम उसे क्या मानेंगे बिजनेस कनेक्शन मानेंगे और जितना इनकम इंडिया से जनरेट हो रहा है इसके ऊपर टैक्स देना होगा इसके बाद आया था डीम्ड बिजनेस कनेक्शन ये क्यों आया था और यही वो पार्ट था जिसके ऊपर हम लोग आगे बढ़ गए थे रुक गए थे यहां पे पढ़ते पढ़ते डीम्ड बिजनेस कनेक्शन लॉ कहता है अगर सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इंडिया में है तो इसे हम डिम्ड बिजनेस कनेक्शन मानेंगे सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस अगर इंडिया में है तो इसे हम डिम्ड बिजनेस कनेक्शन मानेंगे सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है अगर इंडिया में तो हम इसे डिम्ड बिजनेस कनेक्शन मानेंगे अब कब हो सकता है सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस कब हो सकता है सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस अगर ट्रांजैक्शन गुड्स सर्विसेज का प्रॉपर्टी डाउनलोड लिमिट क्या है ये बताई नहीं है तो लॉ ला के रखा है टैक्सेबिलिटी भी आती है लेकिन स्पेसिफिक टैक्सेबिलिटी का अभी तक के बात नहीं हुई है यस yes, प्रिस्क्राइब अभी तक बात नहीं हुई है दूसरा आया यूट्यूब गूगल और ऐसे अन्य एप्स के लिए जो कंटिन्यूस सोलिसिट करते हैं सो सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूस सोलिसिटिंग वे एंगेजिंग विद सच नंबर ऑफ यूजर अगर इंडिया में उस एप के या उस वेबसाइट के यूजर एक नंबर के ऊपर चले गए तो हम इसे सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इन इंडिया मान लेंगे ये किसके लिए लेकर के आए वही हमारे यूट्यूब और गूगल के लिए यस और नो अच्छा जी डन सर ऐसा हो सकता है क्या कि इस सालों के बजट के अंदर में वो दे देंगे व्हाट इज सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस उम्मीद तो पूरी है देखो आगे क्या करते हैं उम्मीद तो पूरी है देखो ये लोग आगे क्या करते हैं चलो प्रोवाइडेड दैट इस वर्ड को ध्यान से सुनना सभी लोग पेज नंबर थर्टीन पे आओ प्रोवाइडेड दैट ट्रांजेक्शन और एक्टिविटी शेल कॉन्स्टिट्यूट अग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस वेदर और नॉट द अग्रीमेंट फॉर सच ट्रांजेक्शन इज एंटर इंडिया ये जो सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है ना यह माना जाएगा चाहे इसके लिए कोई स्पेसिफिक अग्रीमेंट एंटर हुआ हो या नहीं हुआ हो बड़े सोच समझ करके ये लाइन को डाला गया है क्योंकि कई लोग बोल सकते थे आप कैसे बोल सकते हो हमारा तो कोई अग्रीमेंट ही नहीं है गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया तेरा कोई एग्रीमेंट हो या ना हो एक लिमिट के ऊपर तू पे ये कर रहा है या यूजर यूजर तेरे एक लिमिट के ऊपर जा अग्रीमेंट हो या ना हो सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है वेदर एनी सिफिकॉमिकीमेंट एग्जिस्ट और नॉट दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा द नॉन रेसिडेंट हैज रेसिडेंस और प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया हम कहते हैं सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या वो इंडिया में है कोई प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है या नहीं है डजेंट मैटर Non in India. आप एक्चुअली सर्विस कर रहे हो या नहीं इंडिया में इससे भी कोई लेन देन नहीं होगा इफ देर इज अग्निफिकेंट इकोनॉमिकवेंट देर इज अ डीम्ड बिजनेस कनेक्शन प्रोवाइडेड दैट ओनली सो मच ऑफ द इनकम इस लाइन को भी ध्यान से सुनना प्रोवाइडेड दट ओनली सो मच ऑफ द इनकम एज इज अट्रीब्यूटेबल टू द ट्रांजेक्शन और एक्टिविटी शेल डीम टू बी

हां या हां चलो कल हमने सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस लिखा था क्या मेरे को याद नहीं आ रहा है एक बार प्लीज बताना ना क्या कल हमने सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस लिखा था प्लीज कमेंट करके बताइए मुझे सच में नहीं याद आ रहा कोई तो जवाब दे दो किसी के पास लिखा है लिखा नहीं था ना ओके प्लीज राइट डाउन, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस विल कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस कनेक्शन Will constitute business connection if transaction of goods, services, property, download of data. or information exceeds the prescribed limit. Second, if number of user if number of user Exceeds the prescribed limit by continuous soliciting. Only income arising from India is taxable. डन सर चलो सो so, अब तक हमने क्या पढ़ा अब तक हमने पढ़ लिया वॉट इज बिजनेस कनेक्शन वट इज डीम्ड बिजनेस कनेक्शन भी हम लोगों ने पढ़ लिया अब हम जा रहे हैं तीसरे पार्ट पे वॉट इज नॉट अ बिजनेस कनेक्शन ये कुछ चीजें बिजनेस कनेक्शन से बाहर रखी गई है अगर ये बिजनेस कनेक्शन है ही नहीं तो फिर इट इज नॉट एन इनकम विच इज टैक्सेबल इन इंडिया इट इज नॉट एन इनकम विच इज टैक्सेबल इन इंडिया अगर ये बिजनेस कनेक्शन है ही नहीं तो इट इज नॉट एन इनकम विच इज टैक्सेबल इन इंडिया आइए समझते हैं ये कहां लिखा हुआ है अगर आप देखोगे तो ये चीज लिखी हुई है आपके पेज नंबर 11 के ऊपर ये चीज लिखी हुई है आपके पेज नंबर 11 के ऊपर नॉट अ बिजनेस कनेक्शन एक्सप्लेनेशन वन कुछ चीजों को हम बिजनेस कनेक्शन नहीं मान रहे अगर ये बिजनेस कनेक्शन नहीं है तो नॉट टैक्सेबल इन इंडिया गेम ओवर

चार चीजें बिजनेस कनेक्शन नहीं मानी जाती यहां फाइनेंस एक्ट टू एक्ट 2020 का अमेंडमेंट है।, है पहले यहां सिर्फ लिखा होता था in case of business, इसे cut किया गया और लॉ में डाला गया केस ऑफ बिजनेस अदर देन बिजनेस सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस क्योंकि क्या होता था अगर ये वर्ड नहीं डालते थे तो सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस को इंपैक्ट नहीं मिल पाता था इसीलिए बस ये वर्ड डाल दिया इन केस ऑफ बिजनेस बिजनेस अदर देन मतलब जो अदर बिजनेस है जिनका सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस नहीं है वो वाले बिजनेस इन शॉर्ट नॉर्मल जनरल बिजनेस ऑफ ऑल ऑपरेशन आर नॉट कैरिड आउट इन इंडिया ऑफ विच ऑल ऑपरेशन आर नॉट कैरिड आउट इन इंडिया ऑफ विच ऑल ऑपरेशन आर नॉट कैरिड आउट इन इंडिया कौन से केसेस है यहां पर लिखिए नो ऑपरेशंस इन इंडिया दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी अब समझिए मान लीजिए अब जैसे कई कंपनीज है कई कंपनीज यहां पर सिर्फ कम्युनिकेशन ऑफिस ओपन करती है कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी ओपन नहीं करती फॉर एग्जाम्पल छोटा सा एग्जाम्पल अब कभी एयरपोर्ट पर जाएंगे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तो वहां पे कई आ, इसके बोर्ड लगे होंगे फॉरेन कंपनीज के बोर्ड लगे हुए होंगे वो लोग एक्चुअली यहां पे कुछ सेल नहीं करते बट ये आपको यहीं से क्या करते हैं नाम ध्यान में दिलवाते हैं कि जब आप उस कंट्री को विजिट करो तो आप इन स्टोर्स को विजिट करो फॉर एग्जाम्पल अगर आप मुंबई एयरपोर्ट की तरफ जाते हुए देखेंगे तो वहां पर सेवन इलेवन स्टोर का एडवर्टीजमेंट लगा हुआ है सेवन इलेवन स्टोर ये एक फेमस स्टोर है एशियन कंट्रीज के अंदर में स्पेसिफिकली थाईलैंड मलेशिया सिंगापुर ये सेवन इलेवन के स्टोर है जहां से आप ग्रोसरी एंड अदर चीजें ले सकते हैं अब इन्होंने यहाँ पे एडवर्टीजमेंट लगा के रखी है इंडिया में कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है क्या नहीं ये यहाँ पे सिर्फ बोर्ड लगा करके रख रहे हैं ताकि आप जब वहां विजिट करो तो आपको क्या दिखे आप वहां पे उन स्टोर्स पे जा सको सिर्फ एडवर्टीजमेंट या कम्युनिकेशन इसके अलावा इसके अलावा मान लीजिए कई होटल्स जो होते हैं ये सिर्फ यहां पे कम्युनिकेशन देने के लिए आते हैं आपने कभी देखा है न्यूजीलैंड यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी आपके सिटी के अंदर में क्या करेंगे एक सेमिनार देंगे ताकि आप वहां जाके पढ़ाई करो वो यहां से कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। वो यहां पे सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट या कम्युनिकेशन के तौर पर सामने आते हैं ऐसे केस में जब कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडिया से अराइज ही नहीं हो रही है आप ही बताइए क्या कोई टैक्सेबिलिटी आनी चाहिए आंसर इज नो इसीलिए उन्होंने पहला पॉइंट लिख दिया इन केस ऑफ अ बिजनेस अदर देन दो जिसका सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है इन केस ऑफ बिजनेस विच ऑल ऑपरेशन आर नॉट कैरिड आउट आउट ऑफ इंडिया बी इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट नो इनकम शेल डीम टू अक्रोर अराइज इन इंडिया टू हिम थ्रू आर फ्रॉम विच आर कंफर्म फ्रॉम परचेसेस ऑफ गुड्स इन इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट परचेसेस ऑफ गुड्स इन इंडिया द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट देखिए कई लोग इंडिया में आते हैं ओनली फॉर द पर्पज ऑफ परचेस और यह सीधे सीधे आउट ऑफ इंडिया अपने गुड्स को एक्सपोर्ट कर देते हैं छोटा सा एग्जाम्पल अब इंडिया के बाहर की जो कंट्री है जैसे नेपाल हो गया बांग्लादेश हो गया ईस्ट एशियन कंट्री हो गई ये इंडिया में आते हैं यहां से मसाले उठाए जाते हैं स्पेसिफिकली अगर देखेंगे आप वेस्ट बंगाल के अंदर में आते हैं ये लोग कोलकाता इंडिया से मसाले उठाते हैं और मसाले उठा करके क्या कर देते हैं एक्सपोर्ट कर देते हैं ये ऐसा क्यों करते हैं क्योंकि बाहर के जब जब इंडियन पीपल बाहर जाते हैं तो ये इंडियन रेस्टोरेंट्स को सर्च करते हैं और उन्हें वही टेस्ट मिलना चाहिए इसी के लिए यहाँ से स्पाइसेस एंड ऑल को क्या कर देते हैं बोले एक्सपोर्ट कर देते हैं काफी सस्ता पड़ता है अगर वो यहाँ आके क्या कर देते हैं लेकर चल जाते हैं एक्सपोर्ट कर देते तो अब ऐसे केसेस में कोई व्यक्ति इंडिया में आ रहा है इंडिया से स्पाइसेस उठा रहा है आउटसाइड इंडिया लेकर के जा रहा है वो आउटसाइड इंडिया ही बेच रहा है उसका रेस्टोरेंट भी आउटसाइड इंडिया है जस्ट बिकॉज स्पाइसेज आर फ्रॉम इंडिया इसका यह मतलब होगा कि हम इंडिया में टैक्सेस कर दें आंसर इज नो no. इस चीज को उन्होंने बाहर रखा है इट इज नॉट अ बिजनेस कनेक्शन अगर कोई व्यक्ति इंडिया में सिर्फ परचेस के लिए आता है और इस परचेज करके वो क्या कर देता है एक्सपोर्ट कर देता है तो इसे हम बिजनेस कनेक्शन नहीं मानेंगे इससे दो फायदे हुए एक इंडिया का सेल्स बरकरार रहता है yes no? और दूसरा जो एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक्टिविटी इंडिया के अंदर में हुई नहीं तो फिर उसके ऊपर टैक्स कलेक्ट करने का पावर इंडिया में हो नहीं सकता यह इसके पीछे का लॉजिक है थर्ड केस ऑफ अ नॉन रेसिडेंट बीइंग अ पर्सन एंगेज इन रनिंग ऑफ अ न्यूज एजेंसी पब्लिशिंग न्यूज मैगजीन जर्नल उटसाइड इंडिया सर मान लीजिए बीबीसी बीबीसी इंडिया में आते हैं और यहां पर कोरोना वायरस की सिचुएशन को वीडियो कैप्चर करते हो ये ट्रांसमिट करते हैं आउटसाइड इंडिया की भैया इंडिया के अंदर में क्या सिचुएशन चल रहा है अब ऐसे केसेस के अंदर में ऐसे केसेस के अंदर में जब ये न्यूज़ चलता रहता उनको वहीं से कोई एडवर्टीजमेंट इनकम आती है क्या इंडिया इसके ऊपर डजेंट मैटर कि ये टैक्सेबिलिटी इंडिया में अराइज होगी क्या ये टैक्सेबिलिटी इंडिया में अराइज होगी आंसर इज नो ये टैक्सेबिलिटी इंडिया में अराइज नहीं होगी जस्ट बिकॉज न्यूज बिलोंग्स टू इंडिया

इमेजिन कीजिए उन्होंने कहा हम फास्ट एंड फ्यूरियस इंडिया में बनाएंगे और इंडिया के अंदर में वो लोग यहां पर you know, बड़वन चौक तक के कॉम्पिटिशन रखना चाहते हैं फास्ट एंड फ्यूरियस देखिए आउटसाइड इंडिया में फास्ट एंड फ्यूरियस बनाएंगे ना साहब रोड खाली रहते हैं इंडिया में बनाओ तब जाने हम आपको बराबर है तो सपोज वो इंडिया में आते हैं इंडिया में शूटिंग करते हैं फिल्म बनाते हैं और फिल्म इंडिया में ब्रॉडकास्ट ना करके आउटसाइड इंडिया ही ब्रॉडकास्ट की जाती है इंडिया में आते हैं सिर्फ और सिर्फ शूटिंग करने के लिए आप मुझे बताइए क्या इस पे इंडिया टैक्स कलेक्ट कर सकता है जस्ट बिकॉज इट हैज कवरेज फ्रॉम इंडिया आंसर इज नो आंसर इज नो बिल्कुल नहीं कर सकता सो सिनेटोग्राफिक फिल्म अगर इंडिया में शूट हुई है डजेंट मैटर इट विल नॉट अमाउंट टू बिजनेस कनेक्शन फोर्थ इन केस ऑफ अ फॉरेन कंपनी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ माइनिंग ऑफ डायमंड्स डायमंड्स, नो इनकम शेल डीम टू अक्रोराइज इन इंडिया थ्रू एन एक्टिविटी डायमंडल जो नोटिफाइड समझना ये क्या था? इसको क्यों एड किया गया डायमंड सबसे पहली बात होता क्या था कि इंडिया से जाते थे लोग कहा साउथ अफ्रीका के अंदर में डायमंड लिए अब साउथ अफ्रीका के अंदर में कई बार ऐसा हुआ कि जो इंडियन पीपल थे इन्हें थ्रेट हुआ क्योंकि वो इतना सारा कैश लेकर के जाते थे या बाद में डायमंड लेकर के जाते थे तो थेफ्ट एंड ऑल का क्या हुआ खतरा हुआ ये बात इंडियन गवर्नमेंट को बताई गई कि, कि किसी भी तरीके से हमें कोई सेफ पैसेज प्रोवाइड किया जाए भारत सरकार ने बोला देखो अगर वो डायमंड वाले इंडिया में आएंगे रफ डायमंड वो अगर इंडिया के अंदर में आ जाएंगे तो प्रॉब्लम ये हो जाएगा सेल अराइज हो जाएगा हम आपको एक काम करते हैं हम एक एरिया आपको प्रोवाइड करते हैं एक जोन प्रोवाइड करते हैं जहां पे क्या किया जाता है डायमंड डिस्प्ले किया जाता है फॉरेन कंट्रीज से कंपनी आती है इंडिया के अंदर में और यहां पे डायमंड डिस्प्ले होता है पॉइंट टू बी नोटेड हम यहां सिर्फ उसका एग्जीबिशन रखते हैं उसका सेल नहीं अगर सेल करना है आप वहां जाए वहां जाके उन्हें ऑर्डर दे ऑनलाइन पेमेंट करें लेकिन हम सिर्फ क्या करेंगे डिस्प्ले परमिट करेंगे तो अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में आती है जो सिर्फ रॉ डायमंड डायमंड अनकट का डिस्प्ले करती है वहां पे डिस्प्ले ही वर्ड लिखा है जरा ध्यान से देखो ना डायमंड विच आर टू डिस्प्ले ऑफ अनकट डायमंड सिर्फ डिस्प्ले क्या कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है नहीं जब कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है तो कोई बिजनेस कनेक्शन हो ही नहीं सकता सो so, अब इसी चीज को थ्योरी में पूछा गया है ये जो बिजनेस कनेक्शन वाला पार्ट है ना इसमें सबसे ज्यादा पूछा गया है व्हाट इज नॉट अ बिजनेस कनेक्शन आइए पहले इसे शॉर्ट में लिख देते हैं रजिस्टर में जाइए लिखिए नॉट अ बिजनेस कनेक्शन पॉइंट नंबर वन मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं सीधा स्क्रीन से हट जा रहा हूं लिख डन सर सो ये आइटम्स है अब इसे याद कैसे रखा जाए बड़े सिंपल तरीके से आपको बात बताता हूं वट इज नॉट अ बिजनेस कनेक्शन जरा एवरीबॉडी गिव योर हैंड्स परचेसेस न्यूज फिल्म डायमंड कैसे याद रख सकते हो भाई मजा आया तो फुल रिस्पेक्ट देना कैसे याद रखा जा सकता है जरा ध्यान से सुनना कैसे इस पॉइंट को याद रखा जा सकता है पहला परचेसेस पहला क्या करोगे मालिक परचेसेस न्यूज शूटिंग डायमंड चार पॉइंट को मेजरली याद रखना और ऑपरेशन इंडिया में है ही नहीं तो ये लिखो नहीं लिखो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है चार पॉइंट याद रखना परचेसेस ऑफ गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट दूसरा क्या था मालिक दूसरा था आपका कलेक्शन ऑफ न्यूज तीसरा था आपका फिल्म और चौथा था डायमंड जनरली गले में पहना जाता है डायमंड समझ में आई बात सो चार चीजें आपको याद दिराएगी कि बॉस किस तरीके से इस नॉट अ बिजनेस कनेक्शन को याद रखा जा सकता है यह में पूछा जाता है यह में पूछा जाता है अब तक इंटर लेवल पे बिजनेस कनेक्शन और डीम्ड बिजनेस कनेक्शन को नहीं पूछा गया है पर नॉट अ बिजनेस कनेक्शन को कई बार थेरी में पूछा गया है नॉट अ बिजनेस कनेक्शन को कई बार थेरी के अंदर में पूछा गया है गेटिंग इट और नॉट तो ये पॉइंट आपको मजा देगा एवरीबडी वापस बताओ व्हाट इज नॉट अ बिजनेस कनेक्शन व्हाट इज नॉट अ बिजनेस कनेक्शन आज जाना और अपने सारे दोस्तों को बताना तेरे को पता है व्हाट इज नॉट अ बिजनेस कनेक्शन ठीक है उसके सामने जान मुझ करके ऐसा जाने का एक्टिंग करने का पता है? उसको कुछ समझ नहीं आएगा ऐसा अपना मस्त रील्स बनाने का ऐसा मस्त इंस्टा बनाने का कुछ तुम्हारे दोस्तों को समझ नहीं आएगा तुम्हारे दोस्त बोलेंगे कर क्या रहा है उसको ले सीक्रेट है सीक्रेट है अपन नहीं बताएंगे इसमें क्या है सो so, बस सिंपली है यही पॉइंट कि अगर इंडिया से कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी कैरी आउट नहीं हो रही है परचेसेस हो रहा है सिर्फ कोई अगेन इकोनॉमिक एक्टिविटी कैरी आउट नहीं हो रही है कोई इनकम इंडिया से जनरेट नहीं हो रही है इंडिया सिर्फ सिर्फ न्यूज कलेक्ट करके लेके जा रहे हैं इंडिया से सिर्फ फिल्म शूटिंग हो रही है या इंडिया में सिर्फ डायमंड्स का डिस्प्ले हो रहा है सेल नहीं सिर्फ डिस्प्ले हो रहा है तो यहाँ पे कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी अराइज ही नहीं हुई है सिंस देर इज नो इकोनॉमिक एक्टिविटी देर वॉन्ट बी एनी बिजनेस कनेक्शन इफ देर इज नो बिजनेस कनेक्शन इट इज नॉट एन इंडियन इनकम इफ इट इज नॉट एन इंडियन इनकम गेम ओवर खल्लास यस और नो चलिए भाई साहब भाई साहब आ जाओ इधर आ जाओ इस चार्ट के ऊपर वापस आओ आप देख सकते हो सेक्शन नाइन भी हम लोगों ने पूरा कर लिया सेक्शन नाइन भी हम लोगों ने क्या कर दिया मालिक पूरा कर लिया आगे बढ़ते हैं। वापस इस पार्ट पे आते हैं पेज नंबर एट पे आओ सभी लोग स्कोप ऑफ टोटल इनकम के ऊपर आओ हम लोग इस तरह के किसी चार्ट के ऊपर थे आर ओ आर आर एनओ आर एनआर इंडियन इनकम एक मिनट इंडियन इनकम मतलब क्या होती है जरा ऊपर जाओ इंडियन इनकम रिसीव्ड इन इंडिया समझ में आई अब जाते हैं दूसरे वर्ड पे फॉरेन इनकम मतलब क्या जिसने भी ये डेफिनेशन बनाई है ना भाई साहब भाई साहब दिल से मतलब ऐसे डेफिनेशन तुम क्या खा के बनाते हो क्या खा के बनाते हो डेफिनेशन देखो व्हाट इज फॉरेन इनकम यहीं पे ऊपर ही इनकम इज नॉट रिसीव नॉट डी और इनकम विद्रू और सीधे शब्दों में बोल दो ना जो इनकम इंडियन इनकम नहीं है वो फॉरन इनकम है न रिसीव इन इंडिया ना डीम टू बी रिसीव इन इंडिया नाक्रू और अराइज इन इंडिया मतलब बात तो सिंपल हो गई ना जो इनकम इंडिया इंडियन इनकम नहीं है वो सब इनकम को हम कौन से कैटेगरी के अंदर में डाल दे फॉरन वाह क्या डेफिनेशन बनाई है मान गए गुरु मान गए एन इनकम विच इज नॉट एन इंडियन इनकम पता नहीं जी कौन सा नशा करता है एन इनकम विच इज नॉट एन इंडियन इनकम इनकम भाई साहब इधर आ जाओ अब अब सारी बातों को ध्यान से बाजू करना सिर्फ अगले पांच मिनट कॉन्सेंट्रेट कर लो तुम्हारी चार दिन की मेहनत सफल हो जाएगी सिर्फ अगले पांच मिनट कॉन्सेंट्रेट कर लो तुम्हारी पिछले चार दिन की मेहनत सफल हो जाएगी ठीक है एवरीबडी आर यू रेडी एवरीबडी आर यू रेडी पहले हाँ यहाँ हाँ बोलो डन आर ओ आर आर एनओ आर एन आर इंडियन इनकम फॉरन इनकम अब यह जूम करते हैं कि आपको इंडियन इनकम और फॉरन इनकम पता है अगर इनकम इंडियन इनकम हुई अगर इनकम इंडियन इनकम हुई इट विल बी टैक्सेबल टू ऑल वेदर यू आर आर ओ आर आर एनओ आर एनआर डजेंट मैटर इफ इट इज एन इंडियन इनकम तो इंडियन इनकम इज टैक्सेबल टू ऑल वेदर यू आर आर ओ आर आर एनओ आर एनआर डजेंट मैटर इंडियन इनकम इज टैक्सेबल टू ऑल फॉरेन इनकम कमाई फॉरेन इनकम कमाई आरओ आर के लिए टैक्सेबल आरओ आर को अगर तुम कॉलम देखोगे क्या मैं ऐसा कह सकता हूं आर ओ आर की ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है चाहे उसने इंडिया से कमाई या आउट ऑफ इंडिया से कमाई आंसर इज येस आर ओ आर इज जस्ट लाइक एन इंडियन हस्बैंड घर पे भी पिटेगा बाहर भी पिटेगा इज जस्ट लाइक एन इंडियन हस्बैंड घर पे भी पिटेगा बड़ा सिंपल है साहब बड़ा सिंपल है इज जस्ट लाइक एन इंडियन हस्बैंड घर पे भी भी बाहर तो आर ओ आर ऐसे हो जाता है तो इसकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो जाती है सर ग्लोबल इनकम अगर टैक्सेबल हो जाती है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि उसने आउट ऑफ इंडिया कुछ टैक्स पे किया हो इसका जवाब मैं आपको पहले भी दे चुका हूं और अब सही समय है इसका जवाब देने का ऐसा हो सकता है कि उसने आउट ऑफ इंडिया भी कुछ इनकम अर्न करी हो उसमें अगर उसने वहां पे कोई टैक्स पे किया है तो सीए फाइनल में आपको एक टॉपिक आता है डी टी डबल डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट इसके तहत हम जो फॉरेन में टैक्स पे किया है उसका क्रेडिट हम इंडिया में दे देते हैं खत्म हो गया काम सो आरओ आर ग्लोबल इनकम इज टैक्सेबल अगर नॉन रेसिडेंट को फॉरेन इनकम मिला है वो इनकम जो इंडिया में अक्रू नहीं हुआ रिसीव नहीं हुआ फॉर एग्जाम्पल मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को कोई पैसा इंडिया से नहीं आ रहा पूरा पैसा फॉरन से ही आ रहा तो नॉन रेसिडेंट को फॉरेन इनकम मिली क्या इंडिया में टैक्सेबल हो सकता है नहीं इसीलिए नॉन रेसिडेंट को फॉरेन इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं है नॉन रेसिडेंट को फॉरेन इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं है अब आते हैं आर एन ओ आर पे आर एन ओ आर को सिर्फ दो ही फॉरेन इनकम इंडिया में टैक्सेबल है आर एनओ आर को सिर्फ दो ही फॉरेन इनकम इंडिया में टैक्सेबल है एक जो बिजनेस या दूसरा प्रोफेशन से अराइज हो और वो बिजनेस या प्रोफेशन सेटअप हो इंडिया में वो बिजनेस या प्रोफेशन इंडिया में सेटअप हो मे बी एक फॉरेन में ब्रांच होगी और वहां से कोई बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम अराइज हो रही है तो वो फॉरेन इनकम टैक्सेबल है मान लो आर एनओ आर को इंडिया में बिजनेस सेटअप है और इसकी ब्रांच यूएसए में वहां से कोई इनकम आ रही पर्सन आर एनओआर हो जाता है तो इंडिया से बिजनेस इनकम जितनी आ रही है वो प्लस फॉरेन से बिजनेस इनकम जितनी आ रही है वो टैक्सेबल होगी वहां पे उसने कोई टैक्स पे किया होगा बेनिफिट ऑफ क्रेडिट टैक्स जरूर मिल जाएगा ठीक है यही आर एनओर को फॉरेन से कोई प्रॉपर्टी इनकम आ रही है क्या ये इंडिया में टैक्सेबल है आंसर इज नो सर क्यों ओनली बिजनेस या प्रोफेशन से आने वाली इनकम टैक्सेबल है हाउस प्रॉपर्टी रेंट से आने वाला इनकम टैक्सेबल नहीं है इंडिया में वो फिर उनके लिए फॉरेन इनकम बन जाएगा वो वहीं टैक्सेबल है इंडिया में टैक्सेबल नहीं है वो वहीं टैक्सेबल हो जाएगा इंडिया में टैक्सेबल नहीं है सो ओनली टू टाइप ऑफ फॉरेन इनकम इज टैक्सेबल इन इंडिया इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन विच इज सेटअप इन इंडिया मे बी है ब्रांच इन फॉरिन सो वापस से देखिए अगर इंडियन इनकम है अब आपको पता है इंडियन इनकम क्या होता है इंडियन इनकम इज टैक्सेबल टू ऑल आप आर ओ आर बनो आर एनओ आर बनो एनआर बनो अब समझा हम क्यों आर ओ आर आर एनओ आर एनआर कर रहे थे क्योंकि आपकी टोटल इनकम डिपेंड करती है आप आर ओ आर हो आर एनओ आर हो या एनआर हो अब समझ आया पूरे चैप्टर का पहले दिन का लॉजिक पहले दिन हमने बताया था कि रेसिडेंशियल स्टेटस पर डिपेंड करता है आपकी टोटल इनकम क्या होगी वो इस वजह से बताया था वो इस वजह से बताया था क्योंकि अगर आप आर ओ आर बन जाते हो तो आपकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो जाती है आप एनआर बनते हो तो आपको सिर्फ इंडिया से जितनी इनकम मिल रही है उतना टैक्सेबल है फॉरेन से जो मिल रही है वो टैक्सेबल नहीं है और तीसरा बन जाते हो तो इंडिया से इनकम मिली तो टैक्सेबल ही है फॉरेन से मिली, भी सिर्फ है। से मिली भी सिर्फ निकाल रहे थे इस चीज के लिए ताकि समझ सके कि इनको कौन सी इनकम टैक्सेबल है और कैसे इनकी इनकम निकाली जाए इसी बीच हम सात आठ और नौ में भी गए कि कौन सी इनकम की टैक्सेबिलिटी कहां होनी चाहिए इंडियन इनकम कब वराइज होगा फॉरेन इनकम कब वराइज होगा ये पूरा चैप्टर करके ला दिया सबसे पहले आपको आर आर सिखाया फिर समझाया कि बॉस टैक्सेबिलिटी कैसे अराइज होती है कौन कौन सी इनकम इंडियन इनकम मानी जाएगी और उस बेसिस पे अब हम समझ रहे हैं कि इंडियन इनकम जो कमाई उसका क्या होगा फॉरेन इनकम जो कमाई उसका क्या होगा यस yes. यहां पे कोई सवाल है तो प्लीज पूछे पहला सवाल सर फॉरेन से मिली हुई इनकम कैसे टैक्सेबल है प्लीज एक्सप्लेन क्रिशन आरओआर आर होगा तो फॉरेन से जैसे भी मिली पूरी टैक्सेबल एनआर होगा तो सिर्फ इंडियन इनकम टैक्सेबल फॉरेन से मिला हुआ इंडिया में टैक्सेबल नहीं है यही आर आर होगा इंडिया से इनकम मिली टैक्सेबल फॉरेन से सिर्फ बिजनेस इनकम टैक्सेबल एनी अदर क्वेरी ये पॉइंट सबको समझ में आया हा या ना डन बेटा ये मैं आपको तीसरी बार एक्सप्लेन कर रहा हूं कृष्णा फॉरेन के अंदर में भी अगर उस पर टैक्स लगा होगा तो इंडिया में उसका क्रेडिट मिल जाएगा डी टी नाम का एक टॉपिक है बेटा सर आर एन ओ आर की फॉरेन इनकम सिर्फ इंडियन बिजनेस की ब्रांच वाली टैक्सेबल है टोटल नहीं बिल्कुल सही जवाब वंश सिर्फ र के आर केस में सिर्फ फॉरेन ब्रांच से जो पैसा आ रहा है वही टैक्सेबल है बहुत बढ़िया सर आपने कल एग्जाम्पल दिया था राज कपूर सर का टैक्सेबल वाला क्या वो टैक्सेबल है राज कपूर साहब अगर आरओ आर है तो टैक्सेबल है आरएनओ आर है तो नॉट टैक्सेबल इन इंडिया है उसमें भी फर्दर डिपेंड करता है पैसा कहां मिल रहा है इंडिया में मिल रहा होगा तो बाई डिफॉल्ट टैक्सेबिलिटी में आ जाएगा यानी ये मल्टीपल चीजों पर डिपेंड करता है Then, चलो सो so, अभी इस पे प्रॉब्लम बाकी है जरा सुनो अभी तो इस कंसेप्ट को अपन खत्म कर रहे हैं अभी इस कंसेप्ट को बिल्ड करेंगे अगर इंडिविजुअल और नहीं है तो वो पर्सन या तो कौन होगा रेसिडेंट होगा या तो नॉन रेसिडेंट होगा डू यू अग्री या तो वह रेसिडेंट होगा या तो वो नॉन रेसिडेंट होगा यस और नो इंडियन इनकम टैक्सेबल टू ऑल फॉरेन इनकम रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल नॉन रेसिडेंट के लिए नॉट टैक्सेबल एज सिंपल एज दैट। ये लोग आर एन ओ आर बनते ही नहीं है ये या तो रेसिडेंट रहते हैं या तो स्ट्रेट अवे नॉन रेसिडेंट बन जाते हैं क्या तुम्हें याद है Check this out. अब समझ आया पूरे चैप्टर का स्कोप क्या है यह चैप्टर आपको यह सिखा रहा था कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल है नहीं है आओ अब इस कंसेप्ट को तुम्हारे यहां नहीं यहां घुसा के दिखाता हूं तब मजा आएगा आ बेटा मेरे साथ एग्जाम्पल लिख मेरे साथ सभी लोग एग्जाम्पल लिखना एग्जाम्पल ठीक है कंप्यूट द टोटल इनकम नंबर वन इनकम फ्रॉम बिजनेस इन पुणे अमाउंट रिसीव्ड इन यूएसए रुपीज एटी लैक्स सेकेंड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी Computed in Russia, amount received in India, Rupees six lakh. Third, dividend from Infosys, an Indian company. Amount received in Iran Rupees twelve lakh. Fourth Income from Business in UK. Amount received there. एट लैख सेटअप इन यूके फिफ्थ इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड इन गुजरात इंडिया सिक्स लैख Income from business in Europe amount received there. Business is set up in India. रुपीज़ एट लाख ज दैट डन आई होप आपने एग्जाम्पल लिख लिया होगा अब तक अब देखो करना क्या है तुम्हें इस तरीके का कोई प्रॉब्लम दिया जाएगा और तुम्हें बोला है कंप्यूट द टोटल इनकम एक और पॉइंट लिखो इसमें अज्यूमिंग द पर्सन इज आरओआर आर 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 एन आर तुम्हें बोला जाएगा अज्यूम करो अगर ये आर ओ आर है तो इसकी टोटल इनकम कितनी आर आर है तो टोटल इनकम कितनी एनआर है तो टोटल इनकम कितनी अब आपको क्या करना है अब आपको बड़े सिंपल सी काम करना है आपको एक फॉर्मेट बनाना है एक फॉर्मेट बनाना है नीचे जाओ एक फॉर्मेट बनाओ पर्टिकुलर्स आर ओ आर आर एन ओ आर एन आर एक फॉर्मेट बनाओ पर्टिकुलर्स आर ओ आर आर एनओ आर एन आर ऐसा एक फॉर्मेट बनाओ एवरबडी क्रिएट ए फॉर्मेट पर्टिकुलर एनआर सवाल आपको बताया जाएगा कौन कौन सी इनकम अर्न हुई है और सवाल पूछा जा रहा है कि इनकी टोटल इनकम कंप्यूट करो अगर ये ओ आर हुए तो क्या आर ओ आर हुए तो क्या और एनआर हुए तो क्या बस आपको क्या करना है टोटल इनकम को कंप्यूट करना है डन प्रभु आइए मैं सिखाता हूं आपको पहला एग्जांपल आपको सिखा रहा हूं दूसरा आपने करना है इनकम फ्रॉम बिजनेस इन पुणे अमाउंट इज रिसीव इन यूएसए एटी लैख रुपीज पहला स्टेप आपका यह बनना चाहिए टू आइडेंटिफाई इज इट एन इंडियन इनकम और बनना चाहिए कि यह इंडियन इनकम फॉरन इनकम है अब आप बताइए मुझे यह इंडियन इनकम है या यह फॉरेन इनकम है पहला इनकम फ्रॉम बिजनेस इन पुणे अमाउंट रिसीव इन यूएसए सभी बच्चे कमेंट करके जवाब देना मेरे को ये इंडियन इनकम है या फॉरेन इनकम है इंडियन इनकम है कुछ लोग कहते हैं कैसे समझ आया ये इंडियन इनकम है बताओ मुझे कैसे समझ आया इंडियन इनकम है जवाब सही है पर मुझे रीजन चाहिए तुम्हें कैसे समझाइए इंडियन इनकम है कैसे समझाइए इंडियन इनकम है जल्दी बताओ बिजनेस इन पुणे बिल्कुल सही जवाब बिजनेस इन इंडिया बिल्कुल सही जवाब अगर बिजनेस इंडिया में है अमाउंट कहीं पे भी रिसीव हुई होगी वेदर ये दूसरे लाइन में आ रहा है तीसरे लाइन में आ रहा है रिसीव्ड इन इंडिया डीम्ड भी रिसीव्ड इन इंडिया अक्रूअर राइज फ्रॉम इंडिया अक्रूअराइज फ्रॉम इंडिया अब यह बन गया इंडियन इनकम इंडियन इनकम इज टैक्सेबल टू इंडियन इनकम इज टैक्सेबल टू जल्दी से बोलिए इंडियन इनकम इज टैक्सेबल टू ऑल अब तुम आर ओ आर हो आर ओ आर हो या एन आर हो ये 80 लाख रुपए तुम्हें इंडिया में टैक्सेबल हो जाएंगे इसीलिए तीनों कॉलम के अंदर में 80 लाख 80 लाख 80 लाख आए समझ में आया टॉपिक कितना हार्ड है कुछ हार्ड नहीं है एक बार कंसेप्ट तुम्हारे दिल में बैठ गया ना भाई साहब फुल रिस्पेक्ट तुमको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अब तुम इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाओगे कि उन लॉ के शब्दों में क्या लिखा था वो पिछले आठ पेजेस में इतना भारी क्या लिखा था तुम बहुत सिंपल से राम शब्दों में समझ गए पैसा इंडिया में आया इंडिया छोड़ेगा नहीं सिंपल शब्द आया क्या मजा आया क्या मजा चल दूसरा निकाल दूसरा निकाल दूसरा निकाल मेरे भाई इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कंप्यूटेड इन रशिया अमाउंट इज रिसीव्ड इन इंडिया बता कौन सी इनकम है बताओ कौन सी इनकम है जल्दी से ओ भाई साहब इंडियन इनकम कह रहे हैं पारुल कह रही है फॉरेन फॉरेन इनकम है सर इंडियन इनकम ओए भाई साहब एक और जन ने बोला फॉरेन इनकम है कौन है इसे मारो अंशिका क्षितिजा फॉरेन इनकम है बोलते पूरी लाइन को पढ़ो तुम पहली लाइन पढ़ के सब शांत हो जरो यस इट एन इंडियन इनकम क्यों इंडियन इनकम है अबे पूरी लाइन पढो तुम सिर्फ क्या पढ रहे हो प्रॉपर्टी इन रशिया पूरी लाइन पढो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन रशिया प्रॉपर्टी क्या है रशिया में अमाउंट कहा मिली इंडिया में पैसा इंडिया में मिला पहली लाइन ट्रिगर कर गई अपने को अमाउंट रिसीव इन इंडिया कौन सी इनकम बन गई इंडियन इनकम इंडियन इनकम इज टैक्सेबल टू सही पकड़े हैं प्रॉपर्टी किधर भी रहने दो एक बार इंडियन इनकम बन गई इट इज टैक्सेबल टू ऑल गेम ओवर पूछने का नहीं देखने का नहीं धनाधन आंसर लिखने का ऐसे प्रॉब्लम आपको छ मार्क के लिए आते हैं आठ आठ मार्क के लिए आते हैं कंसेप्ट आपने देखा अब आएगा शायद आपको मजा हाँ ऐसा पढ़ा था इसलिए ऐसा हुआ ऐसा पढ़ा था इसलिए ऐसा हुआ अब आएगा तुम्हारे दिमाग में डीम टू बी क्यों बेटा एक्चुअल रिसीव्ड है जासमिन आप बात समझे डीम टू बी क्यों रिसीव्ड है ये एक्चुअल रिसीव्ड है तीसरे एग्जाम्पल पे आ रहा हूं मैं डिविडेंड फ्रॉम इन्फोसिस एन इंडियन कंपनी अमाउंट इज से इंडियन इनकम फॉरेन इनकम तुम्हारा पहला काम एक ही है ढूंढने का ये इंडियन इनकम है कि फॉरेन इनकम है भाई साहब इंडियन इनकम बोल रहे हो कैसी बातें कर रहे हो ईरान में पैसा मिला है ईरान में अरे पैसा ईरान में मिला है कैसी बातें कर रहे हो तुम यस इट इज एन इंडियन इनकम दूसरी बात क्या डिविडेंड टैक्सेबल है यस इस साल से डिविडेंड टैक्सेबल है ट्वेल्व लैख ट्वेल्व लैख ट्वेल्व लैख वाई बिकॉज इट इज एन इंडियन कंपनी इंडियन कंपनी ने डिविडेंड दिया इट इज इंडियन इनकम इंडियन इनकम इज टैक्सेबल टू ऑल नेक्स्ट इनकम फ्रॉम बिजनेस इन यूके अमाउंट इज रिसीव्ड देर सेटअप भी यूके में है इंडियन इनकम या फॉरेन इनकम इंडियन इनकम या फॉरेन इनकम पहला जवाब सिर्फ इतना दे इंडियन इनकम या फॉरेन इनकम बिल्कुल सही जवाब इट इज अ फॉरेन इनकम बेटा फॉरेन इनकम है आर ओ आर में आठ लाख लिख दू शुड आई राइट एट लाख इन आर ओ आर यस सर वाई आर ओ आर की ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है आर ओ आर की ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है आर में लिखू या नहीं लिखू इसका जवाब चाहिए आर एन ओ आर में लिखू या नहीं लिखू यहां पे भी डैश यहां पे भी डैश सर क्यों फॉरेन इनकम है सेटअप अगर इंडिया से होता तो आर के केस में भी लिखते सेटअप भी वही हुआ है मिला भी वही बिजनेस भी वही हुआ है नथिंग अराइज इन इंडिया आर एनआर के केस में डैश डैश आर ओ आर को आठ लाख रुपए टैक्सेबल हो जाएगा डन नेक्स्ट पॉइंट इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड इन गुजरात सिर्फ इतना बताइए इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम इंडियन इनकम या फॉरेन इनकम बहुत शानदार बेटा इंडियन इनकम पर इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं एग्रीकल्चर इनकम यह एक एग्जाम्ट इनकम है इट इज एन इंडियन इनकम बट एग्जाम इसीलिए हम इसे नहीं लेंगे क्यों क्योंकि इंडियन इनकम क्या है बेटा एग्जाम ये इंडियन इनकम है पर एग्जाम है इसीलिए हम इसे टोटल इनकम में नहीं लेते याद होगा तो जो इनकम एग्जाम है उसे टोटल इनकम में काउंट नहीं किया जाता ये टैक्सेबल नहीं है लास्ट ये बता दिया तो मान लूंगा कि कंसेप्ट का बेक्स पार्ट आपको आ चुका है इनकम फ्रॉम बिजनेस इन यूरोप अमाउंट रिसीव्ड देर बिजनेस इज सेटअप इन इंडिया इंडियन इनकम है या फॉरेन इनकम है इंडियन इनकम है या फॉरेन इनकम है बिजनेस यूरोप में है अमाउंट उधर ही मिला है In सेटअप इंडिया में है यह फॉरेन इनकम है इंडियन इनकम नहीं है यह फॉरेन इनकम है क्योंकि बिजनेस वहां है डीम टू इंडिया वहां हुआ रिसीव्ड वहां हुआ सिर्फ सेटअप इंडिया में है यह फॉरेन इनकम है आरओआर के केस में आएगा यस आरओआर की तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है सवाल पूछता हूं आरएनओआर को आएगा क्या एन ओ आर को आएगा क्या बिल्कुल आएगा क्योंकि ये बिजनेस या प्रोफेशन से है जो इंडिया में सेटअप है एनआर को आएगा क्या नहीं तो बस हो गया काम खत्म कर लो इसकी टोटल 80 प्लस सिक्स प्लस ट्वेल्व प्लस एट प्लस एट यह आया है हंड्रेड एंड फोर्टीन एटी प्लस सिक्स प्लस ट्वेल्व प्लस एट या वन जीरो सिक्स या नाइनटी एट देख लो रेसिडेंशियल स्टेटस का ये है वो जवाब रेसिडेंशियल स्टेटस से क्या फर्क पड़ता है रेसिडेंशियल स्टेटस से आपकी इनकम पे फर्क पड़ता है हेंस प्रूव्ड the first lecture why residential status why because your total income differs because of your residential status hence proved आयदान में की दुकान में आयदान में की दुकान में बोलो मालिक अब समझ में आया चैप्टर को अप्लाई कैसे करना है सर टैक्स के रेट क्या होंगे पिछले चैप्टर में ही तो पढ़ा बेटा तुमने इंडिविजुअल होंगे टोटल इनकम क्या होगा टैक्स कैसे निकाल ये हो गई अब टोटल इनकम तुम्हारी अब इस टोटल इनकम पे टैक्स कैसे निकलेंगे आपने पिछले चैप्टर में ही पढ़ लिया आया क्या इतना इजी चैप्टर है रेसिडेंशियल स्टेटस बट ईमानदारी से बोलना जब पढ़ रहे थे तब ऐसा लग रहा था ना मां कसम क्या है क्या ही जीवन के अंदर में क्यों लाया है मेरे को मैं ही हूं जो यहां आया ऐसा हो सकता है पर ऐसा आगे भी होगा बट पूरा भरोसा रखना जब चैप्टर को एंड करूंगा तो पूरा एक साथ निचोड़ के आपके सामने रख दूंगा ये ले चैप्टर है तेरा और ये इतना आसान चैप्टर है एक प्रॉब्लम और बनता है क्या क्योंकि ये तो मैंने सॉल्व किया तुमने थोड़ी ये तो मैंने सॉल्व किया तुमने थोड़ी नहीं सॉल्व किया एक क्वेश्चन और बनता है हंड्रेड परसेंट तुम सॉल्व करोगे बोलो हां तो हां बोलो बनता है क्या एक और क्वेश्चन बना के देता हूं चलो एक और क्वेश्चन में बना रहा हूं हंड्रेड परसेंट तुम सॉल्व करोगे ठीक है आ जाओ एग्जाम्पल अब तुम्हें फॉर्मेट समझ में आ गया लिखना कैसा है यह समझ में आ गया तो तुम एक काम कर सकते हो सुनो अभी ही यहां पर लिख दो पर्टिकुलर्स बराबर है और इसके आगे स्ट्रेट अवे बना दो आर ओ आर आर ओ आर और एन आर बराबर मैं पर्टिकुलर्स लिख देता हूं इसके आगे तुम फिल इन द ब्लैंक्स कर देना ठीक है इनकम फ्रॉम बिजनेस इन नागपुर अमाउंट रिसीव्ड इन बैंकॉक रुपीज टेन लाख इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक हैदराबाद अमाउंट रिसीव्ड इन बांग्लादेश रुपीज ट्वेल लाख थर्ड इनकम फ्रॉम बिजनेस इन दुबई अमाउंट रिसीव्ड इन अफगानिस्तान सेटअप इन दुबई इनकम फ्रॉम बिजनेस In Russia, set up there rupees nine lakh out of which fifty percent amount received in India. प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम मलेशिया कंप्यूटेड अमाउंट रिसीव्ड इन दिल्ली कंप्यूट टोटल इनकम Assuming r o r, r n o r, n r. चलो उम्मीद तो पूरी करता हूं कि तुमने सॉल्व कर लिया होगा स्टिल किसी का अगर वन और टू परसेंट भी इधर उधर रह गया होगा तो चलो देख लेते हैं क्या बात है सभी लोगों ने बहुत अच्छे से जवाब निकाले हैं है? काफी होशियार हो रहे हो कल तक के जब मैं कमेंट करने बोल रहा था साला एक नालायक एक नालायक कमेंट करने को रेडी नहीं था लेकिन आज तेरा भाई को पूरा पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया तीन दिन से मेहनत कर रहे नहीं समझ आया आज के दिन सब समझ आ गया तेरे को बस शर्म कर लो थोड़ी जीवन में आज तो तेरा भाई सबसे पहले जवाब देगा वाला एटीट्यूड में आ अपन ठीक है तेरा भाई सुपरमैन वाले एटीट्यूड में आ गया आज तो अपन सही है सही जा रहे हो उल्टा चलो पहला जवाब मुझे चाहिए आपने आंसर निकाल लिया अब आ जाओ इधर अब मुझे सिर्फ जवाब देना इनकम फ्रॉम बिजनेस इन नागपुर अमाउंट रिसीव्ड इन बैंकॉक तो बोल लो क्या करेंगे अरे कौन सी इनकम लेंगे बता दो तो कौन सी इनकम है ये इसे इंडियन मान लू मैं बहुत बढ़िया साहब इंडियन इनकम इज टैक्सेबल टू ऑल तीनों कॉलम में अगर टेन 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 आए होंगे तो ऐसा उल्टा टिक लगाने का ये अपने प्रोफेशन का साइन है उल्टा टिक लगाने का ये अपने प्रोफेशन का साइन है ऑडिट करने जाओगे जब ये दिखेगा दूसरी बात बेटा इंटरेस्ट फ्रॉम आई आई बैंक हैदराबाद अमाउंट रिसिव इन बांग्लादेश तो बोल लोग क्या करेंगे इज इट एन इंडियन इनकम यस इंडियन इनकम इज टैक्सेबल टू ऑल बहुत बढ़िया साहब सही जा रहे हो इंडियन इनकम है टैक्सेबल टू ऑल है पैसा किधर भी मिले इससे हमारे को कोई लेनदेन नहीं उल्टा टिक मार करके गेम खेल लेने का शानदार बेटा तीसरा इनकम फ्रॉम बिजनेस इन दुबई अमाउंट रिसीव्ड इन अफगानिस्तान सेटअप इन दुबई बहुत बढ़िया बुरा ना लगे तो ट्वेल्व लैक डैश और डैश जो तुम्हें बुरा ना लगे तो लाख डैश और डैश सर ऐसा क्यों किया आपने क्योंकि ये फॉरेन इनकम है फॉरेन इनकम आर ओ आर केस में टैक्सेबल क्योंकि ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है लेकिन आर एनओ आर एन आर के केस में नहीं है क्योंकि सेटअप इन इंडिया नहीं है बहुत बढ़िया फिर आती है बेटा इनकम फ्रॉम बिजनेस इन रशिया सेटअप देर नाइन लाख रुपीज इसमें से पचास परसेंट इंडिया में मिला है ये बताओ तो जानू ओ आर में कितना लिखू ओ आर में कितना लिखू एनी बड़ी आर ओ आर में कितना लिखू बिल्कुल सही जवाब नाइन लाख अरे हमें क्या पड़ता है आर ओ आर के केस में तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है ओ आर केस में जब ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है तो पूरा नाइन लाख ही लिखेंगे अपन आधा इंडिया में मिले आधा फॉरेन में मिले किधर भी मिले ओ आर केस के में तो टोटल टैक्सेबल है ना एन ओ आर में बोलो ओ आर में बोलो आर ओ आर, आर, आर में बोलो बिल्कुल सही जवाब 4.5 लाख 4.5 लाख सर इन्हें क्यों टैक्सेबल अरे जितना पैसा इंडिया में मिला वो तो इंडियन इनकम बन गया अरे हा जितना पैसा इंडिया में मिला वो तो इंडियन इनकम बन गया वो तो इधर टैक्सेबिलिटी में आएगा ही आर ओ आर केस में टोटल आएगा के केस में फोर पॉइंट फाइव आएगा जिन्होंने ये क्रैक कर लिया भाई साहब फुल रिस्पेक्ट तुमको इधर आ गया सब्जेक्ट गेम ओवर रोमांसिंग द टैक्सेशन चल रहा है तुम्हारा प्रॉपर्टी इनकम मलेशिया अमाउंट रिसीव्ड इन दिल्ली 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 ट्वेल्व लैख ट्वेल्व लैख ट्वेल्व लैख बस वुड द वैल्यू गेट द आंसर इतना सिंपल काम है टेन ट्वेल्व ट्वेल्व नाइन ट्वेल्व फिफ्टी फाइव

हाँ अच्छा लगता है मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग का जवाब आ जाता है मुझे भी बहुत अच्छा लगता है ऐसा लगता है कि यार इतने दिन से मेहनत कर रहा था वो सफल हो गई और एक अच्छा पॉइंट पता है क्या लगता है मतलब आपको जीवन में सबसे बड़ी खुशी कब होती है पता है साला पहले तो अपने को अपने फाउंडेशन में मैथ्स के जवाब आते नहीं थे आज तेरा भाई टैक्स के अंदर में पांच पांच पॉइंट के आंसर यू निकाल रहा है कैसे बेटा यू निकाल रहा है तो तब आता है और अपना आंसर और मास्टर का आंसर ऐसा मैच किया ना तो भाई जीवन की खुशी अलग होती है आज जाने का घर के अंदर पप्पा को बोलने का पापा तुम्हारे बच्चे ने तुम्हारे शेर ने आज टीचर से पहले आंसर निकाला है पप्पा बोलेंगे अच्छा ठीक है जा तो अच्छा लगता है मजा आता है आई कैन अंडरस्टैंड और स्पेसिफिकली तब तो और ज्यादा मजा आता है जहां पे सब्जेक्ट इतना डेंजर था सब्जेक्ट इतना डेंजर था एट टाइम्स तुम बिल्कुल छोड़ चुके थे कि अरे यार छोड़ना यार बाद में देखेंगे इस सब्जेक्ट को पर तुम्हारा दिल टिका रहा तूने बोला नहीं तेरा भाई तेरा भाई स्ट्रांग है ऐसे सख्त लौंडा है तेरा भाई पढ़ेगा और उसके बाद जब अब तुम्हारा ऐसा क्लिक होता है ना अरे ये तो वो पॉइंट था वहां से आया था अरे ये तो वो पॉइंट था वहां से आया था तब आता है साहब मजा एंड आई कैन अंडरस्टैंड दिस फीलिंग क्योंकि मैं भी एवरेज बच्चा था तो वो एक फीलिंग आता है ना ऐसा अंदर से अब अब तेरा तेरा भाई भाई फोड़ देगा रैंक में आएगा वाला फीलिंग चल बस डन डन, हा या हा टैक्स के नशे हो रहे हैं अब हो भाई साहब मैंने आपको सर वादा किया था कि भैया आपके दिन का सबसे फेवरेट लेक्चर में बना के छोड़ूंगा ये है सर वो वादा मजे से पढ़ेंगे, मत्ती से पढ़ेंगे कुछ भी करेंगे पर भाई साहब आपको जवाब आ गया, आपके जवाब मैच हो गए आपके जवाब आईसीए के जवाब मैच हो गए गेम ओवर चलो आज जाओ अब मेरे साथ नोट्स के ऊपर आओ देखो बेटा सबसे पहले पेज नंबर वन अब देखो हमने कौन कौन सा पार्ट खत्म कर दिया और कौन कौन सा पार्ट बाकी है

इंसिडेंस ऑफ टैक्सेस पड़े राइट right? यहां पे एक वर्ड है रेमिटेंस ऑफ इनकम रेमिटेंस ऑफ इनकम अगर कोई बच्चा कमाता है और इंडिया में रेमिट करता है एग्जाम होगा हाँ अप्रूव्ड सोर्सेस से नहीं है अप्रूव मोड में नहीं है छुपा के करता है अनडिस्कलोज इनकम करता है तो भारत सरकार में वो क्या हो सकता है टैक्सेबल हो सकता है भारत सरकार में टैक्सेबल हो सकता है पेज नंबर नाइन पे देखिए सेक्शन सेवन एंड नाइन पढ़ा हमने यहां से इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया इन इंडिया का डेफिनेशन पढ़ा यहां से हमने का चालू किया, इस को पूरा पढ़ा अ बिजनेस कनेक्शन इसको कंप्लीट किया हमने व्हाट इज बिजनेस कनेक्शन इसको कंप्लीट किया हमने डीम्ड बिजनेस कनेक्शन इसको भी कंप्लीट किया हमने यस yes? आगे बढ़े आगे बढ़े थ्री ए वाला पार्ट बाकी है हमारा ये एक्सप्लेनेशन फोर फाइव भी बाकी है इसे कंप्लीट करना है हमें फिर आए सैलरी अर्न इन इंडिया आउटसाइड इंडिया डिविडेंड इंटरेस्ट पेबल उसकी एक्सप्लेनेशन रॉयल्टी फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेस एंड अदर चीजें डन करी हमने ये एक सर्कुलर बाकी हमारा सर्कुलर नंबर थर्टीन इन शॉर्ट दो चीजें बाकी और टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा ओवर हो जाएगा टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा ओवर हो जाएगा डन सर आइए अब हम चलते हैं सर्कुलर नंबर थर्टीन टू थाउजेंड सेवेंटीन के ऊपर यहां तक के मालिक सबको समझ में आ गया ये बुक आपके पेजेस वापस क्यों पलटा है ताकि हमारे यह समझ में आ जाए कि हमने कुछ मिस तो नहीं कर दिया राइट और जो पार्ट मिसिंग था वो हमें क्लियर कट समझ में आ जाए डन चलो आगे बढ़ते हैं सर्कुलर नंबर थर्टीन टू थाउजेंड सेवेंटीन बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था सी फेरर अड टू सैलरी अक्रूड टू नॉन रेसिडेंट सी फेर फॉर सर्विसेज रेंडेड आउटसाइड इंडिया ऑन अ फॉरन गोइंग शिप शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन इंडिया मियरली बिकॉज सैलरी इज क्रेडिटेड टू एनआर अकाउंट विद एन इंडियन बैंक पूरे केस को समझना होगा तो इस पॉइंट को आप समझ पाएंगे अंडरस्टैंड मान लीजिए ये शिप है ये शिप दिख रही है ये शिप दिख रही है नहीं तो भी आपको अज्यूम करना है यह शिप है शिप का ये कोई शिप क्रू मेंबर है बराबर है नाउ दिस शिप इज अ फॉरेन गोइंग शिप फॉरेन गोइंग शिप मतलब इंडिया के पोर्ट से निकल करके किसी फॉरेन के पोर्ट पे जा रही है नाउ अब क्या होता है जरा ध्यान से सुनना इसने सर्विसेज रेंडर करी फॉरेन में इसने सर्विसेज कहां रेंडर करी फॉरेन में पर इसकी जो सैलरी थी ये क्रेडिट हो गई कहां पे इसके एन आर ई अकाउंट में इंडिया में नॉन रेसिडेंट वालों के लिए एक अकाउंट होता है एनआरई अकाउंट अ सेविंग अकाउंट इंडिया में अब कहां वो दुविधा में फंस गया जरा समझना वो सबसे पहली दुविधा के अंदर में फंस गया सेक्शन पंद्रह कहता है सेक्शन फिफ्टीन से जहां सर्विस रेंडर करी है सैलरी वहां टैक्सेबल होगी सेक्शन फिफ्टीन से जहां उसने सर्विसेज रेंडर करी है वहां टैक्सेबल होगी यह बात हमने सेक्शन नाइन पढ़ते वक्त भी देखा था एक्चुअली जहां सर्विस रेंडर की जाती है वहां वो सैलरी टैक्सेबल होती है बिल्कुल बराबर है लेकिन इस केस में इसके साथ एक और घटना हो गई अमाउंट उसकी इंडिया में क्रेडिट हो गई अब अमाउंट अगर इंडिया में क्रेडिट हो गई तो सेक्शन फाइव एंड नाइन के हिसाब से इफ द अमाउंट इज रिसीव्ड इन इंडिया इट इज टैक्सेबल इन इंडिया अब सर्विस गया तिल लेने पॉइंट समझ में आया इश्यू समझ में आया हाँ, हाँ हाँ जल्दी से बताओ हो ये रहा था इसने सर्विसेज जहां रेंडर करी वहां टैक्सेबल हो जाएगा जबकि अमाउंट इसकी हो गई अब सेक्शन 5 एंड 9 में बीच में आ गया उन्होंने कहा बेटा अमाउंट इज रिसीव्ड इन टैक्सेबल इन इंडिया अब सवाल उठा कि कौन सा सेक्शन प्रायोरिटी रखेगा सेक्शन फिफ्टीन या सेक्शन नाइन अब ये सवाल उठ गया कि कौन सा सेक्शन प्रायोरिटी रखेगा सेक्शन फिफ्टीन या सेक्शन नाइन आपको क्या लगता है इस बात को जवाब दिया भारत सरकार ने एक सर्कुलर ला के सर्क्यूलर ला करके उन्होंने यह कह दिया कि भैया देखिए सैलरी के, के केस में सर्विस रेंडर इज मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट रादर देन वेयर द अमाउंट इज रिसीव्ड rather than where the amount is received. Services कहां रेंडर हुई है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है सैलरी के केस में और यही चीज हम लोग पिछले दो दिन से भी डिस्कस कर रहे हैं कि सैलरी के केस में सर्विसेस कहां रेंडर हुई है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है rather than rather than इनकम कहां रिसीव हुई है यही बात सर्कुलर ला करके कही कि भैया यही बात सर्कुलर लाके कही रेंडर जहां हो रही है वहां टैक्सेबिलिटी आएगी पेज नंबर ट्वेंटी वन के ऊपर आइए पेज नंबर ट्वेंटी वन के ऊपर आइए सैलरी अक्रूड टू अ रेसिडेंट सी फेरर फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया ऑन अ फॉरन गोइंग शिप शेल नॉट 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 शेल नॉट बी इंक्लूडेड इन टोटल इनकम मियरली बिकॉज द सैलरी इज क्रेडिटेड इन एनआरई अकाउंट विद एन इंडियन बैंक अगर वो सर्विसेज फॉरेन में रेंडर कर रहे हैं भले ही पैसा इंडियन बैंक अकाउंट में क्यों ना क्रेडिट हुआ हो इस केस में टैक्सेबिलिटी आउटसाइड इंडिया रहेगी इंडिया में नहीं आएगी इस केस में टैक्सेबिलिटी आउटसाइड इंडिया रहेगी इंडिया में नहीं आएगी एंड यस सेक्शन 15 प्रिवेल्ड सेक्शन 15 यहां पे क्या हो गया प्रिवेल कर गया इज दैट डन चलो भाई साहब ऊपर आ जाओ पेज नंबर फोर्टीन रीड दिस एक्सप्लेनेशन थ्री ए और मेरे को भी समझाओ क्या लिखा है इतू सा भी समझ आया होगा किसी के तो मुझे जरूर बताना एनीबडी वुड गिव अ वाइल्ड गेस किस बारे में लिखा है ऑनलाइन स्टफ आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हो बेटा पर सिर्फ एक ही ऑनलाइन के बेसिस पे ये है एनी एडवर्टीजमेंट टारगेटिंग इंडिया हा अब तुम सही जा रहे हो बिल्कुल सही जा रहे हो बिल्कुल सही जा रहे हो ध्यान से सुनना ये वही पॉइंट है जो भारत सरकार लाना चाहती है जिसके लिए बिजनेस कनेक्शन के डेफिनेशन को हमने इंक्लूड किया था अगर किसी नॉन रेसिडेंट ने इन तरीकों से भी पैसा कमाया ये बिजनेस कनेक्शन के डेफिनेशन में आ जाएगा ये आ जाएगा दैट दीज ऑपरेशन आर कैरिड आउट इन इंडिया और उस केस में इंडिया में टैक्स देना होगा यह मान लिया जाएगा दीज ऑप्शन दीज आर द ऑपरेशन कैरिड आउट इन इंडिया और इस केस में इंडिया में टैक्स देना होगा इनकम फ्रॉम फॉलोइंग टू नॉन रेसिडेंट would be taxable in india income of following to the non-resident would be taxable in india Pahla, such advertisement which target a customer who resides in india or a customer who access the advertisement through internet protocol address located in india अगर किसी ने एडवर्टीजमेंट इनकम से पैसा कमाया है और यह एडवर्टीजमेंट किसके लिए रखी गई है इंडियन कस्टमर के लिए रखी गई है या उन लोगों को यह एडवर्टीजमेंट दिख रही है जिनके पास इंडिया का आईपी एड्रेस है जो इंडिया से लॉग कर रहा है इंडिया से देख रहा है इंटरनेट को वो उनके सामने अगर यह एडवर्टीजमेंट आती है और ऐसी कोई भी कंपनी जिसने ऐसा कोई इनकम कमाया है यह इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगा आपको नहीं लगता यह किसके लिए लाया गया है गूगल याहू एटसेट्रा इन कंपनी के लिए लाया गया है कि बॉस गूगल क्या करता है गूगल पैसे लेता है आपके सामने एडवर्टीजमेंट रखने के लिए यूट्यूब पैसे लेता है नॉन स्कीपेबल वीडियो आ जाता है यह वीडियो, वीडियो दिखाने के लिए फॉरेन कंपनी आपसे पैसे ले रही है और इंडियन कंपनीज उन्हें पैसे देती है ताकि इंडियन कस्टमर यह देखे अब उस नॉन रेसिडेंट को इंडिया से इनकम जनरेट हुई है इसे टैक्सेबिलिटी में लेके आएंगे दूसरा सेल ऑफ डेटा कलेक्टेड फ्रॉम अ पर्सन हु इन इंडिया और फ्रॉम अ पर्सन हु यूज इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस लोकेटेड इन इंडिया इंडिया के लोगों का जितना डेटा कलेक्ट हुआ है है ये फॉरेन कंपनी को बेचा जाता है। वही बात जो हमने कल करी थी उसी बात को भारत सरकार ने बड़े क्लियर शब्दों में लिख दिया कि इंडिया का डेटा अगर कभी सेल भी होता है या इंडिया का जो इंटरनेट से भी डेटा कलेक्ट हुआ ये डेटा भी अगर कभी सोल्ड होता है इसको इंडियन इनकम माना जाएगा सेल ऑफ़ गुड्स सर्विसेज यूजिंग डेटा कलेक्टेड फ्रॉम अ पर्सन हू रिसाइड्स इन इंडिया और फ्रॉम अ पर्सन हु यूज इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस लोकेटेड इन इंडिया प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजन कंटेन इन दिस एक्सप्लेनेशन शेल ऑल्सो अप्लाई टू द इनकम एट्रीब्यूटेबल टू द ट्रांजैक्शन और एक्टिविटी एज पर एक्सप्लेनेशन टू ए तो अगर कोई सेल हो रहा है गुड्स या सर्विसेज दी जा रही है इंडिया में इंटरनेट के थ्रू या उन व्यक्तियों को जो इंडिया से इंटरनेट के थ्रू बाइंग कर रहे हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल से बाइ कर रहे हैं यह भी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी यह किसके लिए है यह किसके लिए है एमेजॉन अली बाबा सेल ऑफ डेटा कलेक्टेड आईटी कंपनीज Explanation for for removal of doubt it is hereby clarified that through shall mean and include and shall deem to always have include by means of or in consequences of or in reason of ye kya hai वैसे आपको जरूरत नहीं है but आप इसको कट कर सकते हैं but इसका meaning मैं आपको समझा देता हूँ through agent sale करना law में word क्या लिखा था through agent sale करना बराबर है अब कई बार गवर्नमेंट ये थ्रू एजेंट वाले वर्ल्ड को क्या करती थी एक फॉरेन कंपनी दूसरे जो इंडिया में फॉरेन कंपनी है उसके साथ अग्रीमेंट करती थी और इस अग्रीमेंट में ये लिख देती थी कि हमारे बीच में अगर मेंग्रीमेंट हुआ तो मिस्टर एक्स इस अग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे अब जरा देखिए हुआ क्या फॉरन कंपनी ने डायरेक्टली उस एजेंट को अपॉइंट नहीं किया पर अग्रीमेंट में लिख दिया कि हम दोनों के बीच में अगर अग्रीमेंट हुआ तो वो इसे एग्जीक्यूट करेगा अब यहां पे ट्रांजेक्शन थ्रू एजेंट ना होके बाय बाई ऑफ एन अग्रीमेंट हुआ इन ऑफ एन अग्रीमेंट हुआ बाय ऑफ एन हुआ इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन अग्रीमेंट हुआ यह भी बिजनेस कनेक्शन में आ जाएगा भारत सरकार ने बोला बेटा तुम हमें ना चलाने की कोशिश मत करो तुमने डायरेक्टली एजेंट अपॉइंट करके किया है या तुम फिर कोई अग्रीमेंट कर रहे हो कोई करार कर रहे हो और उसके तहत कोई इंडियन व्यक्ति के पास यहां पे स्टॉक मेंटेन हो रहा है वो कंक्लूड कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट को या वो सर्विसेज सिक्योर uh, कर रहा है नॉन रेसिडेंट के बिहार डायरेक्टली तुमने एजेंट अपॉइंट करके किया या किसी अग्रीमेंट या एक्टिविटी के कारण उसके पास काम चला गया तो भी ये बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा तो भी ये बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा फॉर रिमूवल ऑफ डाउट इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड दैट असेट्स और कैपिटल असेट बींग एनी शेयर इंटरेस्ट इन अ कंपनी और एन टी टी रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया शेल डीम टू हैव एंड ऑलवेज डीम टू हैव सिचुएटेड इन इंडिया इथ द शेयर और इंटरेस्ट डिराइव डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट्स वैल्यू सब्स्टैंशियली फ्रॉम असेट लोकेटेड इन इंडिया यहां पर लिख दीजिए वोडाफोन रेफर कैपिटल गेंस आप अभी बहुत प्रीमेचोर हैं इस वाले पॉइंट को समझने के लिए हम कैपिटल गेन में वोडाफोन का केस पढ़ेंगे हम कैपिटल गेन में वोडाफोन का केस पढ़ेंगे तब मैं आपको वापस यहां पे लेकर के आऊंगा इस पॉइंट को सिर्फ इतना लिख दीजिए पूरा यहां तक के यहां तक के है वो पॉइंट इसे सिर्फ लिख दीजिए वोडाफोन कैपिटल ये पॉइंट अभी आपके समझ में नहीं आने वाला ना मैं आपको अभी समझा पाऊंगा क्योंकि आप बहुत है अभी तक आपको कैपिटल ही नहीं समझ रहा, वैल्यू कैसे डिराइव होती है ये ही नहीं समझ रहा तो इस को यहां पे छोड़ दीजिए रेफर वोडाफोन आई थिंक रेस्ट ऑल थिंग्स आर कंप्लीटेड डन प्रभु डन कल हम क्या करेंगे कल हम इसके ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहीं पे। आज आपका एक बहुत स्पेसिफिक टारगेट है पूरा रेसिडेंशियल स्टेटस स्पेसिफिकली सेक्शन छ पढ़ो मत पढ़ो फाइव सेवन एट और नाइन आप पूरा पढ़ के आएंगे कल अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो फाइव सेवन एट और नाइन आप ये चारों पढ़ करके आएंगे मैंडेटरीली कल हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड uh, मैं आप सभी लोगों को बता दूं दैट यस दो टॉपिक हम लोग खत्म कर चुके हैं कौन से दो टॉपिक बेसिक एज वेल एज रेसिडेंशियल स्टेटस यस सिर्फ इसके क्वेश्चन बाकी है क्वेश्चन हम लोग कल कर लेंगे तो साहब अब हम लोग क्या करेंगे जरा ध्यान से सुनना जो बच्चे ड्राइव गूगल ड्राइव पे होंगे मैं आपको इसका एक टेस्ट डिजाइन करके दूंगा राइट आपको ये पेन ड्राइव और गूगल ड्राइव के साथ ही आपको इसका टेस्ट पे मिल जाएगा दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये लास्ट टॉपिक था जो मैं YouTube के ऊपर ले रहा था ये बात आप समझ के चलिए ये लास्ट टॉपिक था जो मैं YouTube के ऊपर ले रहा था मे ट्वेंटी नवंबर ट्वेंटी बच्चों के लिए इसके बाद ये सारे लेक्चर्स जो होंगे मेरे ये वी स्मार्ट के लाइव स्ट्रीम पे होंगे या तो फिर हम इसे पेन ड्राइव या गूगल ड्राइव में देंगे मेरे दो टॉपिक हो चुके हैं और इसके बाद अब मैं चालू करूंगा हेड्स ऑफ इनकम मैं क्या चालू करूंगा हेड्स ऑफ इनकम चालू करूंगा वो मैं या तो वी स्मार्ट के लाइव स्ट्रीम के ऊपर लूंगा वी स्मार्ट के सॉफ्टवेयर पे या तो फिर हम पेन ड्राइव गूगल ड्राइव पे रिकॉर्डेड लेक्चर आप लोग को प्रोवाइड करेंगे उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अब तक के तो समझ में आ गया होगा डेमो वाला पार्ट कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं क्या पढ़ा रहे हैं किस तरीके से पढ़ा रहे हैं दूसरी बात उम्मीद यह भी करता हूं कि आप लोगों ने अब तक के कंप्लीट कर लिया होगा फर्दर फर्दर हम लोग अभी भी टेक्नोलॉजिकली वाइज वो एक सोल्यूशन देख रहे हैं जहां पे अगर किसी बच्चे ने पेनड्राइव गूगल ड्राइव भी लिया है तो क्या उसे हम लोग यू नो लाइव स्ट्रीम में कवर कर सकते हैं या नहीं कवर कर सकते क्योंकि अब मुझे टाइम भी बढ़ाना है अकॉर्डिंगली जिनके पेन ड्राइव गूगल ड्राइव है उनके लिए मुझे लेक्चर्स uh, आगे भी प्रोवाइड करने हैं और डेढ़ घंटे में ऑनेस्टली मेरे से मतलब आप ये समझ लो कुछ भी नहीं होता मेरा साढ़े तीन चार घंटे का लेक्चर होता है राइट right? तो डेढ़ घंटे में इन एस सच कुछ नहीं हो सकता क्योंकि सिलेबस डायरेक्ट एक्सेस का बहुत बड़ा है तो बॉस वहाँ पर uh, हमें करना होगा हालांकि पूरे रेसिडेंशियल के क्वेश्चन भी मैं आपको करवा के दूंगा उसके बाद ही हम लोग एंड करेंगे डन तो बाकी की पूरी डिटेल्स लाइव स्ट्रीम पे कैसे आएंगे कब आएंगे कैसे करना होगा क्या ऑप्शन होंगे ये सारी चीजें मैं आपको कल के लेक्चर के अंदर में डिस्क्लोज करूंगा आज मैं आपको बता नहीं पाऊंगा कल के लेक्चर में डिस्क्लोज करूंगा सब्जेक्ट रिलेटेड जो क्वेरीज है ये आप पूछ सकते हैं आपकी सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेरीज प्लीज लाइए बेटा आपने पांच दिन पहले बुक परचेस किया आपका कब का है आपने अटेम्प्ट देख के किया होगा क्योंकि वेबसाइट के ऊपर क्लियर कट अटेम्प्ट लिखे हुए हैं सुपर टीचिंग स्टाइल थैंक यू सो मच अनुजा सर अगर कोई कंपनी एजेंट अपॉइंट करती है इंडिया में देन जो इनकम एजेंट रिसीव करेगा वो टैक्सेबल हो सकती है क्या ऑबियसली टैक्सेबल होगी बेटा क्यों नहीं होनी चाहिए सर डायमंड के डिस्प्ले एग्जीबिशन में हो एंड टिकट से जो इनकम मिलेगी वो टैक्सेबल होगी क्या यस yes. जिसने भी वो डिस्प्ले ऑर्गेनाइज कराया होगा उनको मिलेगा नवंबर ट्वेंटी वन के लिए सेम लेक्चर है नहीं बेटा पंकज मुझे ऑनेस्टली नहीं मालूम कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट इंग्लिश में आंसर लिखे तो इसका इंपैक्ट क्या होता है पर मैं आपको ये कल पूछ के बता सकता हूं गूगल ड्राइव की लिंक हमने डालना शुरू कर दिया मालिक तो आपने पहले ही देखा होगा बेटा उसको अटेम्प्ट क्या है क्योंकि मेरी बुक के ऊपर क्लियर कट लिखा होता है अटेम्प्ट है प्रभु अच्छा मेरी मेरी बात बात ध्यान ध्यान से से सुनना सभी बच्चे मेरी ध्यान सुने आपको अगर लेक्चर्स या बुक जल्दी चाहिए तो प्लीज देखें कि क्या वी स्मार्ट आपके सेंट, आपके सिटी के अंदर में अवेलेबल है क्या अगर वी स्मार्ट आपके सिटी पे अवेलेबल है तो प्लीज उन सेंटर को कॉल कीजिए कि मुझे ये बुक या ये लेक्चर चाहिए उन सेंटर को कॉल कीजिए हो सकता है वो सेंटर ही आपको तुरंत ये चीज प्रोवाइड करवा दे हाँ बिल्कुल होगी ना चेतन तुम खुद सोचो ना क्या सवाल पूछ रहे हो बेटा इनकम अगर इंडिया में रिसीव हुई होगी तो होगी डिविडेंड अंडर हंड्रेड एंड फिफ्टीन ओ बेटा ट्वेंटी वन 21, 21 के लिए डिविडेंड टैक्सेबल है बेटा जीएसटी फर्स्ट जनवरी से कभी नहीं चालू होने वाला था आपके पास रॉन्ग इंफॉर्मेशन है सर क्या मैं लेक्चर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में ले सकता ले सकती हूं बिल्कुल ले सकते हो बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है आप वी स्मार्ट के सेंटर पे जाइए वहां आप कॉपी एट सेंटर ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए एनी अदर थिंग उल्टे टिक का लॉजिक क्या है ऑडिट में पूछिएगा सर अगेन दीपेश जीएसटी कभी भी फर्स्ट जनवरी से चालू नहीं होने वाला था आपके पास रॉन्ग इंफॉर्मेशन है सब्जेक्ट रिलेटेड भी कुछ पूछ लो बे एनी सब्जेक्ट रिलेटेड कोई डाउट है चलो डन बाय बोलो बच्चो